Hello students, in today's video I am going to continue scale of temperature. We know that there are three scale of temperature. First is Kelvin scale, second is Celsius scale and third is Fahrenheit scale. Celsius scale के बारे में हमने अपनी last video में पढ़ी थी. Lower fixed point in Celsius scale is 0 degree Celsius and upper fixed point is 100 डिग्री सेल्सियस. अब हम फॉरेनहाइट स्केल देखेंगे. इस स्केल पे टेम्परेचर को हम डिग्री फॉरेनहाइट में मेज़र करते हैं एंड इट इज़ रिटन एज डिग्री फॉरेनहाइट. सेल्सियस को लिखने के लिए हम क्या करते थे, डिग्री एंड फिर सी लिखते थे, डिग्री सेल्सियस. बट फॉरेनहाइट को लिखने के लिए डिग्री एफ लिखेंगे एंड ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए. लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन फारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फारेनहाइट. ये क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 32 डिग्री फारेनहाइट. अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 212 डिग्री फारेनहाइट. ये अपर फिक्स्ड पॉइंट है फारेनहाइट स्केल का. ओके, अब हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर. अगर हम एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं टेम्परेचर को तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट. 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट है सेल्सियस स्केल का एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फारेनहाइट. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट. अपर फिक्स पॉइंट इन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इक्वल टू अपर फिक्स पॉइंट इन फारेनहाइट स्केल एंड दिस इज 212 डिग्री फारेनहाइट. क्लियर है. इन दोनों स्केल के बीच जो रिलेशन होता है वो है डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेल्सियस and this is equal to degree Fahrenheit minus 32 degree divided by 180 degree. आपको इस रिलेशन को याद रखना है. इसका ईजी वर्जन जो है वो है डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 डिग्री इज इक्वल टू डिग्री Fahrenheit माइनस 32 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री. ठीक है, तो बेटर है कि आप ये वाली, ये सेकेंड रिलेशन को आप याद रखें. क्लियर है. अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा. डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन इसको सॉल्व करने से ये फॉर्मूला आ जाएगा. डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज करेंगे वो होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 अंडर ब्रैकेट डिग्री फारेनहाइट माइनस 32. क्लियर है. इस फॉर्मूला को यूज करके आप एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो. एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट. सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम फारेनहाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. 9/5 इंटू 40, क्योंकि आपको 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इसलिए सेल्सियस की जगह पे आप क्या लिखोगे, 40 प्लस 32. इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 104 डिग्री फारेनहाइट. दैट मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 डिग्री फारेनहाइट. क्लियर. अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, कन्वर्ट 77 डिग्री फारेनहाइट टू सेल्सियस. इस एग्जाम्पल में फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. सॉरी,
इसके लिए हम सेल्सियस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। 5/9 डिग्री फारेनहाइट की जगह हम क्या डालेंगे, 77 डिग्री फारेनहाइट, 77 माइनस 32। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ, 77 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पे 77 डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मामीटर को डॉक्टर थर्मामीटर भी कहा जाता है। इस थर्मोमीटर में एक नैरो कंस्ट्रक्शन होता है जो कि कैपिलरी ट्यूब में होता है एंड इट इज़ जस्ट अबव द बल्ब, बल्ब के जस्ट ऊपर होता है। आप देखोगे दिस इज थर्मोमीटर, जिसमें ये फ्रंट में ये जो दिख रहा है दिस इज बल्ब, बल्ब के जस्ट अबव में एक नैरो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ओके। अब ये जो थर्मोमीटर होता है उसमें आप सभी को पता है मरकरी होता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसके अंदर का जो मरकरी जो कि बल्ब में है वो एक्सपेंड करता है एंड ये उस कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या होता है, पास होता है। क्लियर है? बट जब हम इस थर्मोमीटर की को पेशेंट की माउथ से बाहर निकालते हैं देन ये मरकरी वापस उस बल्ब में नहीं जा पाता है, ओनली ड्यू टू दैट कंस्ट्रक्शन। ड्यू टू दिस वन कैन ईजिली रीड द पेशेंट टेम्परेचर, उस वजह से हम पेशेंट की टेम्परेचर को ईजिली रीड कर सकते हैं एंड बाय गिविंग इट अ जर्क, जैसे ही आप इस थर्मोमीटर को जर्क दोगे देन उसका मरकरी क्या हो जाएगा, वापस बल्ब में चला जाएगा एंड इस थर्मोमीटर को आप फिर से यूज कर सकोगे। क्लियर? नाउ असाइनमेंट के लिए ये 4 क्वेश्चंस है जिसमें आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।